मानस पर दिए गए अपने बयान पर अटल हैं। तमाम विरोध के बावजूद भी उनके तेवरों में जरा भी कोई कमी नहीं आई। भारत समाचार से खास बातचीत में उन्होंने कहा, उनका विरोध सिर्फ एक जगह हुआ है लेकिन सैकड़ों जगह लोग स्वागत कर रहे हैं। इसके अलावा क्या कुछ कहा सुनवाना चाहेंगे। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। कल ये बाहर गए थे, दौरे पे थे उत्तर प्रदेश के कई जिलों के, और वहाँ पर विरोध भी झेलना पड़ा। सर, कल स्याही बताया गया कि फेंकी गई आपकी गाड़ी पे, आपको काले झंडे दिखाए गए, तो ये किस लिए ये सारी चीज़ें हो रही? अगर आपको एक जगह स्याही फेंकने की बात की जानकारी है तो सैकड़ों जगह है जो भव्य स्वागत हुआ। 100, 200, 400, 500 कार्यकर्ताओं ने जगह जगह लेकर के स्वागत किए, उसको भी जिक्र करना चाहिए। और रही बात 4-5 गुर्गे मेरी गाड़ी को लपके, वो क्या फेंकना चाहते थे, क्या उनके हाथ में था? हाथ में तो माला दिखाई पड़ा लेकिन माले के अंदर कुछ छिपा था। मेरी गाड़ी की ओर दौड़े, स्थानीय पुलिस ने उनको दबोच करके बाहर किया। ये किसके गुर्गे थे? आपने कहा कि कुछ गुर्गे थे 3-4-5। अब स्वाभाविक रूप से इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों पर जनजातीय अत्याचार करने वालों की जमात का ही कोई न कोई होगा। और जैसा कि वहां के स्थानीय चैनल के माध्यम से पता लगा, वो भाजपा का कार्यकर्ता भी था। सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। यूपी बोर्ड की परीक्षा